थाईलैंड में समुद्र तट के पास एक भव्य होटल में एक पर्यटक परिवार मजे कर रहा है, लेकिन अगले ही पल हवा का एक झोंका आता है। इससे माँ मारिया की पुस्तक का एक पन्ना शीशे पर उड़ जाता है। वो शीशे के पास झुकती है, धुंधलेपन से महसूस करती है कि कुछ गड़बड़ है। चूंकि शीशा हिल रहा है, जैसी कि उम्मीद थी, पलक झपकते ही परिवार की खुशी अचानक गायब हो जाती है। उनका इंतजार में एक लहर आती है जो एक जंगली जानवर की तरह विशाल है। जब दृश्य फिर से रोशन होता है, समुद्र अभी भी लगातार हिंसक रूप से बह रहा है। मारिया जीवन और मृत्यु के लिए एक बड़े पेड़ के तने को गले लगाती है। वो बहुत आहत है, असहाय होकर चीखती है। यह सुनामी 5 लोगों के अपने खुशहाल परिवार से अलग हो गई है। वो नहीं जानती कि कितना समय बीत चुका है, जब मारिया को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। यह उसका बेटा लुकास निकला। स्थिति अत्यंत कठिन है। लुकास को पानी की धारा द्वारा आगे बह जाता है। मारिया डरती नहीं है, वो तुरंत अपने हाथों को छोड़ देती है जो बड़े पेड़ के तने से गले लगे थे। लुकास की ओर तैरती है, लेकिन इसे तैरना कहने के बजाय बहना कहना बेहतर है। बहते हुए पानी में दो लोग तूफान में रजकन की तरह हैं, बिल्कुल भी अवरोध के बिना। वे सिर्फ भाग्य को स्वीकार कर सकते हैं। मारिया का पसली पिंजरा एक पेड़ की शाखा से कट जाता है। लुकास का सिर सभी प्रकार की वस्तुओं से टकराता है, भले ही वे घावों से ढके हों। माँ बेटा अब भी जिद पर बने रहते हैं, नहीं चिल्लाते, हार नहीं मानते। वे अपने पास के रोडे से चिपके रहते हैं, लगातार उन पर हमला कर रहे पानी के प्रवाह के खिलाफ सख्ती से लड़ रहे हैं। अंततः अंत में सुनामी धीरे धीरे कम हो जाती है। वे अंत तक संघर्ष करते हैं। माँ और बेटे ने एक दूसरे को गले लगाया और पानी में चलने लगे। माँ और बेटा एक दूसरे के पीछे चलते हैं, चलते रहते हैं। मारिया लंगड़ाते हुए आगे चल रही है, पीछे लुकास के गंभीर भाव है। यह पता चला है कि लुकास देखता है। उसकी माँ के दाहिने पैर का मांस अलग हो गया है। और भी डरावना है, मारिया खुद की चोट को महसूस भी नहीं कर पा रही है। लुकास तुरंत मारिया को रोकता है और अपनी माँ को उसके दाहिने पैर की चोट के बारे में बताता है। वो पलटता है, सीधे मारिया को देखने की हिम्मत नहीं करता। मारिया यह समझती है। वो लुकास को सामने की ओर आने के लिए कहती है, भले ही जख्मों से भरा हो, यह माँ आज भी दिखाती है कि मातृत्व क्या होता है। माँ और बेटा मदद के इंतजार में पेड़ की डाल पर बैठे हैं। वे नहीं जानते कि कितना समय बीत चुका है, अंततः वे इंतजार ही कर सकते हैं पास के ग्रामीण लोगों के आने का। यह आदमी बूढ़ा है, वो उठा नहीं सकता, वो बस खींच सकता है। घाव के साथ घर्षण मारिया को घातक रूप से दर्द देता है। वो अत्यंत कष्टदायी रूप से चीखती है। अंत तक खींचते हुए वो बेहोश हो चुकी है। दयालु बूढ़ा व्यक्ति माँ और बेटे को अस्पताल ले जाता है। अभी अस्पताल लोगों से खचाखच भरा हुआ है। त्रासदी का दृश्य है, भारी चोटें उनकी आँखों में पानी भर देती है। युवा लुकास के लिए असमंजस है। बूढ़ा आता है, लुकास को बहुत सी चीजों की सलाह देता है। भले ही लुकास एक शब्द नहीं समझता, वो जानता है कि बूढ़े आदमी को कैसे जवाब देना है। थैंक यू। लुकास अपनी माँ के पास आता है। लड़के को पता लगा कि उसने अपनी माँ को इतना बेबस पहले कभी नहीं देखा। वो रोती है और डॉक्टर से भीख मांगती है। डॉक्टर लुकास को देखता है, कुछ नहीं कहता है, उसे वही करना जारी रखता है जो उसे करना चाहिए। एंटीबायोटिक इंजेक्शन, पैर के लिए जहर को नष्ट करने के लिए। डच भाई के इस प्राथमिक कार्य को देखकर मुझे पता है कि कीमती बेटा क्या कहलाता है। 26 दिसंबर 2004, इतिहास की सबसे बड़ी सुनामी के बाद दक्षिण पूर्व एशिया के तट पर कई लोग खोए हुए रिश्तेदारों की तलाश में अस्पताल जाते हैं, लेकिन अस्पताल उन सभी को संभालने में व्यस्त है। अस्पतालों में नर्सों के पास मूल रूप से रिश्तेदारों को खोजने में मदद करने का समय नहीं होता है। मारिया की सर्जरी के कुछ समय बाद वो यह दृश्य देखती है। एक डच लड़के द्वारा निभाया गया किरदार वो लुकास को बताती है, मेरे बेटे जाओ उनकी मदद करो, तुम यह कर सकते हो। लुकास थोड़ा हिचकिचा रहा है, क्या तुम्हारा यहाँ अकेले रहना ठीक है? मारिया उससे कहती है, चिंता मत करो, तुम्हें जाना चाहिए। लुकास खड़ा होता है, वो एक चाचा से मिलता है। चाचा ने फैमिली फोटो निकाली, फिर अपने बेटे की ओर इशारा करता है और लुकास को बच्चे का नाम बताता है। लुकास चाचा को बताता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इसके बाद वो अस्पताल के चक्कर लगाने लगता है। जब भी वो किसी से मिलता है, वो एक बार उस चाचा के बेटे का नाम कहे थे। वो लंबे लंबे समय से खोज रहा है, लेकिन उसे अभी भी नहीं मिल रहा है। जब उसे लगता है कि वो हार मानने वाला होता है, बिस्तर पर एक चाचा उसे रोकते हैं।
लेकिन एक सच्ची कहानी पर आधारित यह फिल्म निश्चित रूप से बहुत यथार्थ है। चाचा लड़के को कोई सुराग नहीं दे सकते, लेकिन उम्मीद है कि लुकास उसे अपने बेटे को खोजने में मदद कर सकता है। लुकास ज्यादा कुछ नहीं कहता, तुरंत कलम और कागज निकालता है, इस चाचा के बेटे का नाम लिखता है। एक समय के बाद लुकास को अभी भी कोई बच्चा नहीं मिला है, लेकिन कागजों पर नामों की संख्या अधिक होती जा रही है। लुकास के पास शिकायत का कोई शब्द नहीं है। वो नोटबुक पकड़ता है, हर व्यक्ति से एक ही सवाल पूछता रहता है। कोई नहीं जानता कि वो कब से उसकी तलाश कर रहा है। जब वो एक निश्चित कमरे में जाता है और एक नाम पुकारता है, आखिरकार एक बच्चा उसका जवाब देता है। संयोग से लड़का उस चाचा का बेटा है जिसे वो पहले मिला था। लुकास जल्दी से उस चाचा को खोजने के लिए दौड़ता है। आखिरकार पिता और पुत्र एक दूसरे को कसकर गले लगाते हैं। इस पल लुकास को लगता है कि सारी मेहनत यथार्थ है। लुकास खुशी से अपनी माँ के कमरे की ओर भागता है, अपनी माँ के साथ अपने दिल की खुशी बांटना चाहता है। लेकिन लड़के के कदम अचानक रुक जाते हैं, उसके चेहरे की मुस्कान भी तुरंत गायब हो जाती है। परिणाम यह निकला, उसकी माँ का कमर खाली है। लुकास फूट फूट कर रो पड़ा, हर जगह दौड़ता है, लगातार अपनी माँ को पुकारता है, लेकिन कोई उत्तर ही नहीं आता। तभी नज़ एक घायल व्यक्ति को ऊपर ले आती है। घायल व्यक्ति को लुकास की माँ के बिस्तर पर रखना चाहती है। लुकास ने जोरदार विरोध किया, वो जानता है कि अगर इस बिस्तर पर कब्जा हो गया तो संभावना है कि उसकी माँ वापस नहीं आएगी। लुकास को पीछे खींचते हुए एक नज़ कदम बढ़ाती है। वो धीरे से ध्यान से व्यथित लुकास को शांत करता है और लुकास को बच्चों से भरी झोपड़ी में ले जाता है। लुकास की पिछली जानकारी लिखने के बाद वो लुकास की शर्ट पर एक नाम टैग लगाती है। लुकास नाम टैग पर शब्दों को नहीं समझता है, लेकिन आसपास के बच्चों को देखता है, उनके कपड़ों पर भी वही टैग होते हैं। लुकास के लिए उस बुरे पूर्वक्षण के बारे में न सोचना मुश्किल है। उसका मूड फिर से गिर जाता है। दूसरी तरफ लुकास के पिता हेनरी दिखाई देते हैं। किस्मत से हेनरी और उनके दो बेटों के सामने कोई बड़ी बाधा नहीं थी। जब सुनामी आने वाली थी, उनमें से तीन पानी से अलग नहीं होते हैं। उस समय वे जिस होटल में ठहरे हुए हैं उसके पास ही थे। एक दयालु आदमी हेनरी से कहता है कि पहाड़ पर आश्रय बनाया गया है, वो उन्हें अपने साथ ले जा सकता है। हेनरी के यह जानने के बाद वो दूसरे बेटे को बुलाता है, लड़के से जोर से कहता है, अपने भाई की अच्छी देखभाल करो, पिताजी को माँ और अपने बड़े भाई को खोजने जाना है। दूसरा बच्चा कहता है, मैं यह नहीं कर सकता, मुझे डर लग रहा है। हेनरी इस तरह उत्तर देता है, बस ऐसे ही हेनरी दो बच्चों को कार में ले जाता है। जब वो गए, वो एक लड़की से अपने दो बच्चों की देखभाल करने के लिए कहता है। उसे जितनी जल्दी हो सके पहाड़ पर सबके साथ इकट्ठा होगा, लेकिन पहले वहीं पर एक आदमी को पहले क्या करना चाहिए, इसकी जिम्मेदारी उसे उठानी चाहिए। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी के बाद हेनरी आखिरकार सोने से भी दुर्लभ फोन उधार लेता है। वो तुरंत अपने ससुर को फोन करता है। फोन कनेक्ट होने पर हेनरी की भावना भी स्वाभाविक है, उसकी सांसें रुक जाती है, अपनी पत्नी और बच्चों के अलग होने के बारे में बात करता है। लेकिन क्योंकि फोन की बैटरी बहुत कीमती है, वो बस कुछ वाक्य कह सकता है और उसे जल्दी से काट देना चाहिए। फोन कटने के बाद बिना किसी अपवाद के घटनास्थल पर मौजूद सभी लोग सभी हेनरी के आंसुओं में कड़वाहट महसूस करते हैं। दयालु व्यक्ति जो उसे अपना फोन उधार देता है मदद नहीं कर सकता, लेकिन फोन को फिर से पकाता है, आप ऐसे फोन नहीं रख सकते, कहना जारी रखें और कहें जो कहना जरूरी है। हेनरी स्तब्ध है, फिर वो फोन लेता है। इस समय वो अब नहीं रोता, लेकिन अपने ससुर की कसम खाता है, मैं उन्हें निश्चित रूप से ढूंढूंगा। दूसरी तरफ नज़ लुकास की तलाश करती है। वो एक अच्छी खबर लाती है, मुझे तुम्हारी माँ मिल गई है। इस समय मारिया की हालत बेहद खराब है, इस समय उसे एक श्वासयंत्र की आवश्यकता है। अपनी माँ की हालत देखकर लुकास बहुत दर्द में है। मारिया लुकास से उसके गायब होने के लिए माफी मांगती है। लुकास आगे बढ़ता है, अपनी माँ को कसकर गले लगाता है, जिस भाव को उसने कई दिनों से दबा रखा है अब अंत में प्रकट होता है। हेनरी पहाड़ के नीचे अस्पताल से शुरू करता है, पहाड़ पर जाने का रास्ता खोजता है, लेकिन यह रास्ता कतई आसान नहीं है। उन्होंने बहुत सारे अस्पतालों में खोजा, लेकिन वो अपनी पत्नी और बच्चे के नाम तक नहीं ढूंढ पा रहा है। जबकि एक अचंभे में वो एक परिचित व्यक्ति देखता है, अपने दो बेटों की देखभाल करने में मदद करने के लिए कहा आता वो लड़की है।
वो दो छोटे बच्चों की स्थिति के बारे में पूछते हुए जल्दी से आता है। लड़की जवाब देती है, उन्हें ले जाया गया है। फिर वो जल्दी से चली जाती है। दृश्य दो छोटे बच्चों पर बदलता है। इस समय बच्चों से भरी कार में बैठे हैं। और उन्हें कहां ले जा रहे हैं? कोई नहीं जानता। दूसरी तरफ अस्पताल में मारिया की हालत में सुधार नहीं हुआ है। उसका मुरझाया चेहरा लोगों को दुख पहुंचाता है। उनकी नाक में चुभ रहा है। वो लुकास से पूछती है, मेरे पैर कैसे हैं? लुकास कंबल उठाता है, लेकिन उन्हें एक सेकंड से भी कम समय देखता है। वो जल्दी से कंबल गिरा देता है। वो अपनी माँ से कहता है, ठीक है, ये अभी भी लाल है, अभी तक काले नहीं हुआ है। मारिया लुकास पर भरोसा करती है। वो शांति से श्वासयंत्र लगाती है। माँ के सो जाने का इंतजार करते लुकास चुपचाप निकल जाता है। जल्दी एक नर्स को खोजता है। उसे मारिया के पैरों की सही स्थिति बताता है। नर्स जानने के बाद वो तुरंत मारिया की सर्जरी की तैयारी करने का फैसला करती है। और उसके बाद का कथानक है। फिल्म अपने अंतभाग पर जाती है। हेनरी इस अस्पताल में आता है, जबकि लुकास समान रूप से वितरित पीने के पानी का हिस्सा ले रहा है। अनजाने में वो दालान में अपने पिता की आकृति की एक झलक पकड़ लेता है। लुकास तुरंत ही पीछा करता है। अधिक संयोग है कि तभी दो बच्चे भी वहां आ जाते हैं, क्योंकि सबसे छोटा शौचालय जाना चाहता है। उसे ड्राइवर और उसके भाई की सुरक्षा की परवाह नहीं है। अपनी जरूरत को हल करने के लिए कार से उतर जाता है। इस पल लुकास अस्पताल के मुख्य द्वार के बाहर आता है। उसके पिता अभी पिछले पल नजदीक थे, अब उनका कोई पता नहीं है। इस समय पर लुकास यह स्वीकार नहीं कर सकता। वो अब जुदाई का दर्द नहीं सहना चाहता। लुकास ने अपने दोनों भाइयों को कसकर गले लगाया। तीनों भाई बिलक बिलक कर रोने लगे। उसके ठीक बाद लुकास की आंखें धीरे धीरे चमक उठती हैं, क्योंकि वो देखता है कि उसके पिता यह देख रहे हैं और उनकी तरफ चल रहे हैं। जन्म मरण का वियोग, नरक के समान दुख, वियोग के सुख दुहक के बाद एक हो जाते हैं। परिवार आखिरकार फिर से मिल गया है। लुकास परिवार को अपनी माँ के पास ले जाता है। माँ कमजोरी से अपनी आँखें खोलती है। इस समय उसकी भावनाएं मिश्रित हैं। ये लोग उसके सामने, यही कारण है कि वो जीवन के साथ बनी रहती है। वो एक मजबूत स्त्री है। अंत में वो अंत पल का इंतजार कर सकती है, जिसके वो दिन रात सपने देखती है। मारिया की सर्जरी अच्छे से हो जाती है। परिवार हवाई जहाज से घर जाता है। इस यात्रा में वे बहुत बदकिस्मत थे, क्योंकि सुनामी उन्हें कठिनाई का अनुभव कराती है। इस यात्रा में वे बहुत भाग्यशाली भी हैं, क्योंकि चमत्कार उन्हें खो देता है और फिर वापस ले लेता है। असंभव का अर्थ हमें समझाता है कि यद्यपि प्राकृतिक आपदाएं कठोर होती हैं, अगर मनुष्य में प्रेम होता है, जब तक आपके दिल में प्रेम है, तो सभी चमत्कार प्रकट हो सकते हैं।